हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, चूंकि मेरा नाम है सुधीर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 27 और इस चैप्टर का नाम है स्पोर्ट्स एंड गेम्स। चलिए शुरू करते हैं। स्पोर्ट एंड गेम्स आर वाइटली इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ लाइफ एंड एजुकेशन। तो स्पोर्ट हमारे लाइफ का और एजुकेशन का पार्ट है। थ्रू स्पोर्ट एंड गेम्स, इनके जरिए हम क्या करते हैं, जो हमारे जीवन में चैलेंजेस आते हैं उनको हम ओवरकम कर सकते हैं। सम स्पोर्ट्स गेम्स आर गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ गेम के बारे में दिया गया है, जैसे कि हॉकी। हॉकी इज द गेम प्लेड बिटवीन टू टीम। तो हॉकी दो टीमों के बीच में खेला जाता है, 11 प्लेयर होते हैं और इनका जो फील्ड होता है वो रेक्टेंगुलर फील्ड ग्राउंड होता है। अब फील्ड जो इनकी होती है वो 100 यार्ड लॉन्ग होती है और 60 यार्ड वाइड होती है। द गोल आर 4 यार्ड वाइड। तो गोल जो होता है 4 यार्ड वाइड होता है और 7 फिट ये हाई होता है। फॉर ए गोल विच काउंट्स 1 पॉइंट। जब गोल होता है तो उसे 1 पॉइंट हम इस करते हैं जब हम स्कोर करते हैं, मतलब कि जब गोल स्कोर करते हैं तो 1 पॉइंट हमें मिलता है। द बॉल मस्ट गो इन टू द गोल। और बॉल जो होता है वो गोल में चला जाता है। वाइल विद इन द शूटिंग सर्किल। तो शूटिंग सर्किल जो होता है आपका सेमी सर्कल, मस्ट हैव बीन टच्ड बाई स्टिक ऑफ एन अटैकर। तो अगर वो जो अटैकर होता है जो बॉल को अटैक करता है उसके लिए है। द स्टिक इज यूजली, तो इस जो स्टिक होती है वो 36 से 38 इंचेस लॉन्ग होती है और इसका जो वेट होता है वो 12 से 28 औंस का होता है। मतलब औंस का मतलब कितना हो गया, ये लगभग 538 ग्राम से 623 ग्राम तक होता है। ओनली द फ्लैट लेफ्ट साइड ऑफ द स्टिक मे बी यूज स्ट्राइक द बॉल। तो फ्लैट साइड जो होता है उधरी से हम क्या करते हैं, बॉल को स्ट्राइक करते हैं। अब आते हैं क्रिकेट पे। क्रिकेट इज अ बैट एंड बॉल गेम प्लेड बिटवीन टू टीम्स। 11 प्लेयर इसमें भी होते हैं और द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गेम इज स्कोर मोर रन वाइटल टीम। तो ऑब्जेक्टिव इसमें होता है कि ज्यादा से ज्यादा रन बनाना। दिस डन बी हिटिंग द बॉल अक्रॉस द बाउंड्री। और यहाँ पे बॉल को हिट करते हैं, बाउंड्री के पार लगाते हैं। रनिंग बिटवीन द विकेट्स एंड द प्लेस। तो देखिए जो रनिंग विकेट्स होते हैं और जो आपका पिच होता है वो आपका कितना होता है, रनिंग जहां पे रनिंग करते हैं हम, तो 20.1 मीटर अपार्ट होता है एट द सेंटर ऑफ पिच। पिच इज आर प्लेइंग एरिया। तो प्लेइंग एरिया जो होता है 22 यार्ड लॉन्ग होता है, 10 फिट वाइड होता है। ए विकेट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टंप और 3 स्टंप होते हैं, 28 इंचेस इसकी हाइट होती है। ए टॉप ऑफ द विकेट सिट टू लूजेस क्रॉसेस बेल्स। तो यहाँ पे दो गुल्लियां रखी होती है जिन्हें बेल्स बोलते हैं। द बॉलर बाउंस एट द फार क्रिकेट एंड एम्स नॉक द बेल्स लूज। और मान लीजिए जो आपका बॉल है विकेट पे लगती है तो ये जो बेल्स होती हैं ये गिर जाती हैं। इफ दिस डन, जब ये होता है द बैट्समैन डिसमिस, बैट्समैन डिसमिस जो आउट हो जाता है वो चला जाता है। टू डिफेंड द विकेट, विकेट को भी डिफेंड करना होता है। द बैट्समैन ट्राइज टू हिट द बॉल। और जो बैट्समैन होता है वो बॉल को ट्राई करने की कोशिश करता है और जो फील्डर्स होते हैं वो बॉल को पकड़ने का काम करते हैं। द क्रिकेट बैट इज फ्लैट ऑन वन साइड। एक साइड में क्या होता है, जो बैट होता है फ्लैट होता है और एक साइड वो रेज होता है। इट इज यूजली मेड अप ऑफ वुड। और जो बॉल होती है वो वुड की बनी होती है। एंड हैंडल मेड अप ऑफ, सॉरी, जो आपका बैट है ना वो वुड का बनता है। कौन सा, एक विलो की लकड़ी होती है जो पहाड़ों में मिलती है उससे बनाई जाती है। द बॉल इज मेड अप ऑफ कॉर्क, कॉर्क की बनी होती है। ट्वाइन हेल्ड टूगेदर केसिंग ऑफ ए लेदर। और इसके ऊपर लेदर की कोटिंग भी होती है। अब आते हैं बास्केटबॉल पे। बास्केटबॉल इज द गेम प्लेड बिटवीन द टू टीम 5 प्लेयर ईच। और इसमें 5 प्लेयर होते हैं और इसका जो फील्ड होता है रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टेंगुलर कोर्ट होता है। ईच टीम ट्राइज टू स्कोर टॉसिंग द बॉल थ्रू द अपोनेंट गोल। और अपोनेंट के गोल में आते हैं और यहाँ पे इसको गोल करते हैं तो इन्हें पॉइंट्स मिलते हैं। एन एलिवेटेड हॉरिजेंटल हुप एंड नेट इज कॉल्ड बास्केट। और हॉरिजेंटल हुप होता है और नेट जो यहाँ पे होता है इसे हम क्या कहते हैं, बास्केट कहते हैं। द स्टैंडर्ड बास्केट कोर्ट इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल 28 मीटर बाई 15 मीटर। द मेटल रिम ऑफ बास्केट इज 10 फिट अबव द फ्लोर। और ये लगभग कितना होता है, मेटल 10 फिट ऊपर होता है। स्फेरिकल इन्फ्लेटेड बॉल मेजर 29 to 30 इंच। और जो बॉल होता है स्फेरिकल वो 29-30 इंचेस का होता है। सरकम फ्रेम एंड वेट 22 औंस। तो इसका वेट जो होता है 20 से 22 औंस होता है। इट कवरिंग द मेड ऑफ लेदर। और ये किसका बना होता है, लेदर का बना होता है जो इसका बॉल होता है। अब आते हैं सॉकर पे, फुटबॉल जिसे हम कहते हैं। ये द फास्ट मूविंग गेम प्लेड बिटवीन द टू टीम। और ये दो दोनों टीमों के बीच में खेला जाता है। 11 प्लेयर होते हैं इसमें।
द फील्ड इज 90 मीटर टू 120 मीटर लॉन्ग एंड 40-45 मीटर वाइड। तो लंबाई इसकी होती है 90 से 120 मीटर और इसकी जो चौड़ाई होती है 40 से 90 मीटर वाइड होती है। इन दिस गेम मेंबर ऑफ द टीम ट्राई टू प्रोपेल अ बॉल इन टू द राइवल टीम गोल यूजिंग एनी पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सपेक्ट हैंड्स आर्म। तो देखिए आपको हैंड आर्म का यूज नहीं करना है। ओनली द गोल कीपर वेन पोजिशन इन द पेनाल्टी एरिया इन फ्रंट ऑफ गोल इट यूज हैंड आर्म द टीम स्कोर्स मोर गोल विन। जो यहाँ पे आपका गोलकीपर होता है वो हैंड्स का यूज कर सकता है लेकिन आप हैंड्स का यूज नहीं कर सकते। चलिए और जितने जितने जो जितना गोल करता है वो टीम जीतती है। फिर आते हैं वॉलीबॉल पे। वॉलीबॉल इज अ गेम प्लेड बिटवीन द टू टीम, सिक्स प्लेयर होते हैं और इसमें जो बॉल होता है इसमें पुश करते हैं बॉल को, नेट का होता है, नेट के उस पार हमें करना होता है। ये गेम आपने खेला होगा। अपोजिशन प्ले बॉल एंड कोर्ट इन टू द नेट और ए टीम इज अलाउड ओनली 3 टचेस ऑफ द बॉल बिफोर इट रिटर्न ओवर द नेट। और 3 बार हम टच कर सकते हैं एक पार्ट में, 3 से ज्यादा नहीं कर सकते। मतलब कि जैसे बॉल आपके पास आ गई तो आप 3 बार उसको करके फिर दूसरे पाली में आपको फेंकना होता है। द गेम इज प्लेड ऑन द स्मूथ सर्फेस कोर्ट 30 फीट वाइड, 30 फीट वाइड होता है, 60 फीट लॉन्ग होता है, डिवाइड बाय द सेंटर इन टू द टू इक्वल एरियाज और दो इक्वल एरिया में यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया। वन ऑफ विच सेलेक्टेड बाई असाइन टू ईच ऑफ द टू कम्पेटिंग टीम्स, ए टाइट स्ट्रेस नेट इज प्लेस्ड अक्रॉस द कोर्ट एग्जैक्टली इन द मिडिल। ऑफिशियल नेट इज 8 मीटर फॉर मैन, और मैन के लिए 8 फीटर जो होता है नेट उसकी हाइट होती है, और 7 फीट 4.25 ये वुमेन के लिए होता है। द बॉल इज यूज अराउंड 9 to 10 ounce और जो बॉल का वेट होता है 9 to 10 ounce होता है और इन्फ्लेटेड होने पे मतलब कि फूलने पे 26 इंचेस का इसका सरकमफ्रेंस होता है। अब आते हैं बैडमिंटन पे। बैडमिंटन इज अ कोर्ट और ए लॉन गेम प्लेड विद द लाइट वेट रैकेट एंड शटल कॉक। बैडमिंटन इज यूजली प्लेड इंडोर, ये घरों में खेला जाता है, इंडोर गेम है ये, बिकॉज इवन लाइट विंड्स अफेक्टेड कोर्स द शटल कॉक। अगर मान लीजिए लाइट विंड अफेक्ट करता है शटल कॉक को तो यहाँ पे गेम सही से हो नहीं पाएगा। द रेक्टेंगुलर कोर्ट इज 44 मीटर लॉन्ग और ये जो कोर्ट है 44 फिट लॉन्ग होता है, 17 फिट वाइड होता है और 20 फिट वाइड फॉर डबल्स। और 20 फिट का अगर खेलने तो ये काफी लंबा होता है, मतलब डबल जब लोग खेलते हैं जैसे दो लोग इधर दो लोग इधर। ए नेट 5 फिट हाई स्ट्रेचेज अक्रॉस द विथ ऑफ द कोर्ट एट इट्स सेंटर। द गेम कंसिस्ट एंटायरली वेलोइंग हिटिंग द शटल कॉक। शटल कॉक को हम हिट करते हैं बैक एंड फ्रॉथ अक्रॉस द नेट, नेट के उस पार जाना चाहिए, लेटिंग इट टच द फ्लोर ऑफ ग्राउंड और ग्राउंड पे ये गिरना नहीं चाहिए विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कोर्ट। चलिए अब बाउंड्रीज के बाहर भी नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं सॉकर इज द नेशनल गेम। तो सॉकर किसका नेशनल गेम है? इटली का, इटली का। और अर्जेंटीना का जो गेम है वो है आपका पाटो। पाटो का मतलब होता है घुड़सवारी और साथ ही साथ बास्केटबॉल का ये मिक्सअप है। और अर्जेंटीना देखिए इस बार फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप जीता था पिछली बार जो कतर में हुआ था। फीफा यहाँ से खिलाड़ी है कौन? लियोनल मेसी। क्रिकेट इज द नेशनल गेम। क्रिकेट कहाँ का नेशनल गेम है? तो यह है इंग्लैंड का। हॉकी द पॉपुलर, हॉकी कहाँ का पॉपुलर गेम है? इंडिया का भी और साथ ही साथ पाकिस्तान का भी। बैडमिंटन द नेशनल गेम। बैडमिंटन कहाँ का नेशनल गेम है? तो ये आपको इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया का। और ग्रीनलैंड का क्या है? फुटबॉल, फुटबॉल। अगला वॉलीबॉल इज द गेम। तो वॉलीबॉल कहाँ का गेम है? देखिए चाइना का जो गेम है ना वो है आपका टेबल टेनिस। साउथ कोरिया का क्या है आपका? ट्वेकंडो, ट्वेकंडो। तो ये हो जाएगा नेशनल वॉलीबॉल किसका है? श्रीलंका का, श्रीलंका। तो दोस्त यहाँ पे वीडियो खत्म होता है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।